स्टेशन के सामने एक ओपन प्रेमाइस है, वहाँ पर कुछ लोग वहाँ से भागे हैं, पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन वो भाग गए। कंटेनर ट्रक लगा हुआ था, उसमें भारी मात्रा में शराब लदी हुई थी। वो टेम्पो था और एक ह्युंडई गेज कार थी, 347 पेटी है, इम्पीरियल ब्लू और मैकडॉनल्ड्स नंबर 1। लगभग 1-1.5 हज़ार रुपये में एक बॉटल बेची जाती है, लगभग 50 लाख से ऊपर का माल है। काहे ललचा रहे हैं किसी को? कल रात को लगभग 1-1.5 बजे गश्ती गाड़ी हमारी पटना से सिटी स्टेशन के पास से गुजर रही थी, तो वहाँ पे स्टेशन के सामने एक ओपन प्रेमाइस है, वहाँ पर कुछ लोग वहाँ से भागे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन वो भाग गए। फिर वहाँ पर देखा गया तो उस प्रमाइस में एक कंटेनर ट्रक लगा हुआ था, उसमें भारी मात्रा में शराब लदी हुई थी और उससे अनलोड किया जा रहा था। 2 टेम्पो था और एक ह्युंडई गेज कार थी जिसमें इसको अनलोड किया जा रहा था और इसको विभिन्न जगहों पर भेजे जाने की तैयारी की जा रही थी। कितना माल है सर? टोटल अभी तक जो काउंट हुआ है 347 पेटी है, इम्पीरियल ब्लू और मैकडॉनल्ड्स नंबर 1। कितने का माल? देखिए इसका जो अगर मार्केट रेट जो यहाँ पे हम लोग जानकारी है कि अवैध रूप से लगभग 1-1.5 हज़ार रुपये में एक बॉटल बेची जाती है, तो लगभग 50 लाख से ऊपर का माल। इस पर किसी गिरफ्तारी उठाई या क्या कुछ? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो प्रेमाइस में जो लोग रह रहे हैं जिनका है उन लोगों की पहचान करके उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा और जो भी गाड़ी के मालिक हैं उनके ऊपर भी दर्ज। कौन कौन गाड़ी से बरामद हुआ है? कंटेनर से है, एक कंटेनर ट्रक था, 2 टेम्पो और 1 कार। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।